माध्यम से सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर आईडी बोरिंग ऑपरेशन G70 और G71 ये साइकिल से कैसे किया जाता है ये वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए कि रब बोरिंग और फिनिश कट कैसे G70 और G71 साइकिल से किया जाता है वो मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो हमारा वीडियो पूरी तरह से देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो वीडियो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम पहले क्या देखना चाहिए कि ड्राइंग कैसे दिया है और हमको क्या क्या करना है। तो टोटल जो जॉब का डायमीटर है टोटल ये रब जॉब है और ये फिनिश जॉब का ड्राइंग है। टोटल ये रब जॉब का डायमीटर 90 mm है और ऑलरेडी होल हो गया है 20 mm टोटल और उसकी लंबाई है 51 और टूल नंबर ये 202 है ऑफसेट नंबर और टूल नंबर है टोटल। तो ये रब ड्राइंग है और फिनिश का क्या करना है जो 20 डायमीटर है उसका 30 डायमीटर करना है हमको और जो लेंथ 51 है उसको 50 करना है हमको मतलब 1 mm फेस मारना है और जो 90 है 90 को कुछ नहीं करना है सेम रहेगा ये 90 डायमीटर टोटली। तो हमको 20 का 30 डायमीटर करना है 1 mm चैम्पर मारना है 45 डिग्री के आईडी बोर में। तो G70 और 71 साइकिल से ये रब बोरिंग और फिनिश बोर कट कैसे किया जाता है ये 70 और 71 साइकिल से करने वाले हैं और 1 mm ये टर्निंग टूल से 1 mm फेसिंग हम करके फिर बोरिंग का ऑपरेशन ये करने वाले टोटल। तो पहले दोस्तों हमको सेटिंग प्रोसेस मालूम होना चाहिए। सेटिंग प्रोसेस में क्या होता है पहले ड्राइंग क्या है ड्राइंग कैसे है या ड्राइंग क्या होता है कैसे पहचानना चाहिए ये 2D ड्राइंग है राउंड पार्ट का। 2D माने कैसे रहते हैं जिसमें टॉप व्यू फ्रंट दिखता है बॉटम राइट साइड व्यू लेफ्ट साइड व्यू वो 2D ड्राइंग होता है राउंड पार्ट का। टोटल राउंड पार्ट कैसे पहचानने का ये ऐसा सेंटर लाइन है या डायमीटर का सिंबल होता है ये इससे पहचानने का ये राउंड गोल जॉब है टोटल। और वो दो नंबर जो है सेटिंग प्रोसेस में मटेरियल N1 है स्टील मटेरियल है उसका डायमीटर है मटेरियल का 90 × L लेंथ है 51 तो ये रॉ मटेरियल हो गए। फिर तीन नंबर जो CNC मशीन ये कौन से मशीन पे जॉब हो जाएगा वो CNC टर्निंग मशीन पे क्योंकि पार्ट रिवोल्यूशन होता है क्योंकि राउंड जॉब है तो राउंड जॉब पार्ट रिवोल्यूशन होने वाले मशीन कौन सा होता है CNC टर्निंग मशीन। तो CNC एक्सेस कितने होते हैं मशीन को दो एक्सेस होते हैं X और Z X मानी ये हो गए Z मानी ये हो गए टोटल। तो ऑपरेशन कौन सा करना है फेस प्लस आईडी बोरिंग करना है हमको टोटली। तो उसको 6 नंबर टूलिंग क्या लगेगा आईडी बोरिंग बार लगेगा 16 mm का बोरिंग बार से हम ये आईडी करने वाले टोटल। और ऑफसेटिंग ऑफसेट से क्या होगा ऑफसेट हमारे दो एक्सेस है एक्स ऑफसेट कैसे लिया जाता है ये बोरिंग बार डायरेक्टली 20 mm डायमीटर को ऐसा टच करने का एक्स 20 डाल के मेजर दबाने से उसको पोजीशन मालूम होता है बोरिंग बार को टोटल। और जो जेड एक्सेस का ऑफसेट लेना है तो हम जेड फेस को टच करेंगे जेड 0 पॉइंट मेजर दबाएंगे तो ऐसा आईडी बोरिंग का ऑफसेट ऐसे लिया जाता है टोटली। तो अभी इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है 70 और 71 से तो उसका मैं डिटेल्स बताता हूँ। ये प्रोग्राम नंबर है ये लेटर है कौन से पार्ट का नंबर है ये पार्ट का नाम है सॉकेट। ये N1 माने सीक्वेंस नंबर होता है मतलब प्रोग्राम सर्च जंप करने के लिए सीक्वेंस नंबर है। और G28 माने U0W0 माने टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन को जाएगा टोटली। तो टूल नंबर क्या है T02 स्पीड RPM कोड है और ये मैक्सिमम RPM है स्पीड है ये टोटली और ये मिनिमम RPM है मिनिमम RPM कोड है ये मिनिमम RPM है और ये डायरेक्शन हो गया टोटल रिवोल्यूशन करने के लिए। तो उसके बाद G0 से क्या होगा टूल G0 से रैपिडली ये पोजीशन पे आएगा तो G0 से X92 रहेगा Z2 माने Z0 फेस को है बाहर 2 mm रुकेगा और X92 माने ये 90 है उससे 2 mm प्लस रखेगा 1-2 mm हमने कूलेंट ऑन किया टोटल। तो उसके बाद अभी हम Z0 माने एक ही कट में हमको Z0 करना है तो मेरा क्या होगा ये Z0 इधर टूल इधर शिफ्ट हो जाएगा Z0 को और Z0 से G1X19.0 फीड 0.12 मतलब X92.0 से X19 तक वो फेस मारते ऐसा टूल आ गया टोटल ये ऐसा इधर तक 19 इधर X0 है 19 माने 20 डायमीटर है उससे थोड़ा नीचे आ गया टोटल ये फेस कट हुआ है 1 mm का।
फिर वापस टूल हम X92Z2M9 मतलब ये ऑटोमेटिक इधर वापस हम गए टोटल पहली जगह फेस मारने के बाद, फिर कूलेंट बंद हो गया हमारा, फिर ये जो M5 माने ये जो स्पिंडल घूम रहा था वो जॉब घूम रहा था वो रुक गया टोटली, फिर G28 से क्या होगा ऑटोमेटिक टूल होम पोजीशन जाएगा ये मशीन जीरो से ये पॉइंट से मशीन जीरो पॉइंट को जाएगा टोटली, तो ये G28 की वजह से। फिर हमने इधर ऑप्शनल स्टॉप दिया M01 से क्योंकि ये टूल का काम हो गया, अभी हमने होम पोजीशन भेज दिया, फिर M0 हमने ऑप्शनल स्टॉप है टोटली, फिर M2 अभी हम ID बोरिंग करने वाले हैं टोटल, जो हमारा 20 डायमीटर है उसको 30 डायमीटर करना है टोटल, तो ये अभी दूसरे टूल M2 मतलब ID बोरिंग, हमने 16 mm का बोरिंग मार लिया है, N1 माने ये ID बोरिंग हमने नाम दिया है, ID बोरिंग ऑपरेशन करना है टोटल, ये टूल नंबर ये ऑटोमेटिक टूल होम पोजीशन जाएगा, U माने X और W माने Z, ये टूल नंबर हमने 3 लिया है, ये बोरिंग बार जो है 3 नंबर है, उसको ऑफसेट नंबर भी 3 है, ये बोरिंग बार कितना है डायमीटर 16 mm का बोरिंग बार है, उसका ये लेआउट है साइकिल लेआउट बोल के, मैं आपको लेआउट द्वारा दिखाता हूँ टोटल कि साइकिल लेआउट द्वारा ये बोरिंग बार से कैसे हम 20 डायमीटर से 30 डायमीटर बनाने वाले टोटल। तो हमारा अभी ये क्या है, ये मैक्सिमम आरपीएम कोड है, यस आरपीएम स्पीड है 800 और मिनिमम आरपीएम कोड है, ये मिनिमम आरपीएम है 200 और ये डायरेक्शन है M03 डायरेक्शन से घूमेगा टूल, और ये G0X19 है और Z1 ये बेस ब्लॉक होता है, M08 माने कूलेंट ऑन, मतलब जो भी साइकिल बेस ब्लॉक होता है साइकिल फर्स्ट ब्लॉक साइकिल सेकंड ब्लॉक, तो जो भी साइकिल वर्किंग करती है 71 या 70 जो भी रफ है फिनिश है ये बेस ब्लॉक के जो डायमिशन है एक्स और जेड की उसके आधार के ऊपर ही वर्किंग करती है टोटली। तो अभी हमारा जो 71 है फर्स्ट है उसमें जो यू दिया है, यू ये डेप्थ ऑफ कट है, यू माने डेप्थ ऑफ कट माने 19 को टूल रुकने के बाद, 19 को रुकने के बाद U1 माने 19 और ये एक साइड की DOC होते है, 1 mm DOC होता है, तो इंटू 2 माने 2 mm का एक कट होगा, ध्यान रखिए 2 mm पर कट, बोर का बोरिंग बार 2-2 mm का डायमीटर वाइज कट लेके जाएगा टोटली। तो अभी 19 से प्लस 2 करेंगे तो 21 एक्स 21 X21 था, X30, X25, X27, X29, X29.8 तक, मतलब ये रफ कट ऑटोमेटिक X19 को रुक गया टूल 19 से, ये सेफ जगह रुका था, ये U का 1 mm का डेप्थ की पकड़ के 2-2 mm एक साइड का पकड़ता है और कट लेके जाने के बाद जो लेंथ है इसमें वो लेंथ पकड़ेगा और वो वापस आ रही है शिफ्ट वैल्यू है एक्स को जो डायमीटर लेके गया है वापस लेंथ होने के बाद शिफ्ट होने का वैल्यू आर होता है टोटल। और ये ब्लॉक सर्च होता है मतलब N10 मतलब ये P सर्च करता है, N11 माने Q सर्च करता है टोटल, तो उसकी वजह से इतना अलाउंस रख गया है क्योंकि हमने 29.8 किया है, हमारा फिनिश जो है 30 है। अभी ये 3 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक के हिसाब से इधर मैंने ये 32 और Z0 ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया हमारा इधर का, और जो सेकंड ब्लॉक है X30 से डायमीटर और Z-1 है ये 1 mm का चैम्बर है तो इधर आ गया टोटल, और तीसरा जो है X40 ही रहेगा Z-52 तो मतलब 50 है 2 mm बाहर आएगा टोटल। तो ऐसा है 71 साइकिल काम किया है, फिर अभी 70 कैसे करेगा टोटल, G0 Z1 होगा टोटली, Z1 माने 71 का काम इधर खत्म हो गया, फिर 70 क्या करेगा ऑलरेडी इधर रुका है टोटली, तो P70 की वजह से क्या होगा टोटली टूल 19 से डायरेक्टली इधर तक जाएगा, ये टूल नंबर जो 3 है टोटली वो 19 से डायरेक्टली समझो इधर 19 की जगह से ये रुका है टूल, ऐसा ये बोरिंग बार रुका है ऐसा, तो टोटली ये 70 P10 माने N10 ये X32 है तो डायरेक्टली X32 को ये टूल लाइन से जाएगा X शिफ्ट होगा, फिर इधर Z0 है
तो इधर टच होगा 70 की वजह से, हाँ, क्योंकि 70 ऊपर से फिनिश कर गए, तो Z0 हो गया ये पॉइंट को, एक नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। अभी अभी दो नंबर को आना है, X30 Z-1, X30 एज अ टेपर और Z-1, इधर से Z- हो गया, चैम्पर मार दिया। फिर Z-52 है, स्ट्रेट है, तो ऐसा Z-52 आएगा ये टोटली, ऐसा इधर खत्म हो गया टोटली ये ब्लॉक। फिर होने के बाद क्या होगा, X19 और Z2 से डायरेक्ट बोरिंग बाद इधर आके रुक जाएगा टोटली। फिर वहां से Z जो भी है ये वैल्यू Z10, इधर से 10 बोरिंग बार शिफ्ट हो जाएगा टोटली। फिर जो हमने कूलेंट ऑन किया है वो कूलेंट बंद हो जाएगा टोटली, और जो स्पिंडल हमने ये किया है, स्टार्ट किया था ये स्पिंडल टोटली RPM द्वारा, वो बंद हो जाएगा टोटल, और ये टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन को जाएगा टोटली, और ये प्रोग्राम एंड होके रिवाइंड होगा। तो दोस्तों इसी तरह से G70 और G71A साइकिल से हमने रब बोरिंग और फिनिश बोरिंग कैसे किया जाता है, और फेस करके बोरिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है, लेआउट द्वारा मैंने दर्शाया, आपको बताया टोटली डेप्थ ऑफ कट कैसे लेना है, या लेआउट के हिसाब से कैसे वर्किंग करता है, और बेस ब्लॉक क्या होता है, साइकिल ब्लॉक क्या होता है, सेकंड साइकिल ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक नंबर कैसे दिया जाता है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।